Everyone, I am Juhi, teacher of Adarsh Shiksha Niketan School. I am here to teach you EVS. Class 2, EVS में हम short note पे आज हम करेंगे my favorite game cricket. हमने पिछली वीडियो में की थी इंडिपेंडेंस डे के ऊपर 10 लाइन्स लिखी थी. आज हम my favorite game cricket के ऊपर 6 लाइन्स लिखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. ये जो है आपको नोटबुक में नोट भी करना है, साथ ही साथ लर्न भी करना है. इस बात का ध्यान रखें, अपने नोटबुक में से नोट करना है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम. इट इज अ वेरी थ्रिलिंग गेम. क्रिकेट जो है वो मेरा फेवरेट गेम है और इट इज अ वेरी थ्रिलिंग गेम. थ्रिलिंग का मतलब होता है यहाँ पे एक्साइटेड और एडवेंचर दोनों ही होता है. तो ये एडवेंचर गेम है, ये मज़ेदार गेम होता है. इट इज प्लेड बिटवीन टू टीम्स कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स इन ईच टीम. दो टीम होती हैं, दोनों टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं. ठीक है, तो मतलब टोटल कितने हो गए, 22 हो गए. तो मतलब दो टीम में, एक टीम में 11 प्लेयर्स, दूसरी टीम में भी 11 प्लेयर्स. कि फुटबॉल में भी ऐसे ही होते हैं, दो टीम होते हैं उसमें भी 11 प्लेयर्स होते हैं. क्रिकेट में भी वही है. इंडिया इज़ नोन फॉर दिस गेम थ्रू आउट द वर्ल्ड. इंडिया जो है इस गेम के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ दुनिया में भी ये है. इस गेम के लिए बहुत मशहूर गेम है ये. ऑल एज ग्रुप इंडियंस प्ले दिस गेम. हर एज ग्रुप के इंडियंस जो हैं, भारतीय जो हैं, इस गेम को खेलते हैं. हर एज ग्रुप के मतलब बच्चे भी इसे खेलते हैं बहुत मज़े से, और एडल्ट भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, सभी खेलते हैं. सभी एज ग्रुप के लोग जो हैं इस गेम को इंजॉय करते हैं, खेलते हैं. We play this game everywhere, like in streets, on house roofs, empty plots. इस गेम को हम हर जगह, कहीं भी, किसी भी जगह खेल सकते हैं. जैसे कि स्ट्रीट पे भी खेल सकते हैं, ठीक है, हाउस के रूफ पे भी खेल सकते हैं, घरों के रूफ टॉप पे, एम्प्टी प्लॉट्स पे, मतलब खाली प्लॉट्स जो होते हैं वहाँ पे भी खेल सकते हैं, एक ग्राउंड पे भी खेल सकते हैं. I like to play this game. मैं बहुत पसंद करता हूँ या करती हूँ इस गेम को खेलना. ये आप अपने नोटबुक में नोट करेंगे और लर्न भी करेंगे. मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ लर्न करने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप लोग, बहुत ही मुश्किल है कि आप लोग करते नहीं हैं लर्न. तो इसलिए कृपया करके लर्न करिए, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. थैंक यू.